जो संस्कृत पाठ पुस्तकम है उसके अंतर्गत जो पाठ दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिकता सेतु, बालू का पुल, कथा सरित सागरता, ये जो नाटक है ये हम आपको इसके जितने भी अनुवाद हैं इस पाठ के पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं। आज हम इनके क्या पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक शब्द में क्या करना है आपको, उत्तर लिखना है। सबसे पहला वाला है, कह वाल्ये विद्याम ना अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी, किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी, तो क्या आएगा, तपोदत्ता। क्या आएगा, तपोदत्ता। तपोदत्त ने जो था उसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी। दूसरा है, तपोदत्ता कया विद्याम आवाप्तुम प्रवत्यः अस्ति। जो तपोदत्त है किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग गया, किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है, तो देखिए कल मैंने समझाया था क्या कर रहा था वो, तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा। यानी वो ये चाह रहा था कि बिना लिपि बिना अक्षर ज्ञान के उसको क्या मिल जाए, विद्या प्राप्त हो जाए। तो उसने वो नहीं किया कि अक्षर ज्ञान नहीं किया, वो किस चीज में लग गया विद्या जाए, तपस्या के द्वारा, यानी तपश्चर्या। मकरालये कह शिलाभि सेतुं बबंध। समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया था, क्या आएगा, रामा। किसने बनाया था, रामा, है राम ने। मार्ग भ्रांता संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ जाता है, गृहम अर्थात घर। कहाँ आ जाता है, गृहम अर्थात घर पर आ जाता है। पुरुषः सिकता भी किम करोति, पुरुष बालू से क्या करता है, यानी वो क्या बना रहा था, क्या करता है। तो जो पुरुष है वो बालू से सेतुम निर्माण प्रयासम, बालू से सेतु निर्माण प्रयासम माने पुल बनाने का प्रयास करता है। चलिए आगे, आप यहां देखिए दिया है, अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। जो नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ये मैं बार बार समझा चुकी हूं कि आपको संस्कृत में ही पूछे जाएंगे, उसका जो उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा में ही देना है। आप जैसे दिया है, अनधीता तपोदत्ता कई गहर तो भवत, ना पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ, ना पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ। तो देखिए, अनधीता तपोदत्ता सर्वै कुटुंबी मित्रै ज्ञाति जनैश्च गृहीत गर्हितो अभवत्। चूंकि वो ना पढ़ा हुआ तपोदत्त जो है कुटुंबी यानी कुटुंबियों, मित्र यानी मित्रों, ज्ञातिर यानी जो उनके भाई बांधवों के द्वारा, सभी के द्वारा वो क्या हुआ, अपमानित हुआ। अब दिया है, तपोदत्त है केन प्रकारेण विद्या मा आप्तुम प्रवत्तो भवत्। जैसे कि अभी हमने इसके पहले भी समझाया कि वो जो था तपोदत्त वो किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ, तो तपोदत्ता तपश्चर्या, तपश्चर्या ने तपस्या विद्या वाप्तुम प्रवत्तो भवत। जो तपोदत्ता तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ, किसके द्वारा, तपस्या के द्वारा। तपोदत्ता है पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्टवा अहसत। जो तपोदत्त है पुरुष के किस प्रयास को देखकर हंसा, तपोदत्त पुरुष के किस प्रयास को देख के हंसा, ये उनमें अनुवाद में आपको पढ़ाया था। तपोदत्ता है पुरुषस्य सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम दृष्टवा अहसत। जो तपोदत्त है वो पुरुष के बालू के द्वारा पुल निर्माण के प्रयास को देखकर हंसा। तपोदत्त जो है पुरुष के बालू के द्वारा पुल निर्माण के प्रयास को देखकर हंसा। फिर है, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथति कथिता। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कहा गया है।
तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासा सिक्ताभि नद्यां सेतु निर्माण प्रयासा एव कथितः। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू के द्वारा नदी में पुल निर्माण के समान कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यह है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। जो तपोदत्त था तो अन्ते माने अंत में विद्या तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। क्या आएगा उत्तर? अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। कहाँ गया वो? गुरुकुल में गया। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गतः। फिर है भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, अर्थात अलग समूह वाले शब्द को चुनिए, जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। अब यहां दिया है निःस्वस्य, चिंत्यत, विमर्श, उपेत। तो क्या आएगा यहां पर? चिंत्य, चिंताय, विश, वसी, विश्वामी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलाषामी। तो इसमें क्या जाएगा? विश्वासिमी। फिर है गा पे देखिए, तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंब भी। तो क्या जाएगा यहां पर? दुर्बुद्धि। यानी अलग समूह वाले जो शब्द हैं, भिन्न वर्गीय वाले शब्दों को इसमें चुन के लिखना है। अब चलिए पढ़ते हैं। यहां देखिए है रेखांक, रेखांकतानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो यहां दिया है अलमलम तव श्रमेण। तो ये किसके लिए है? पुरुषाय के लिए। यहां देखिए उत्तर, न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्ववसिमि। अहम जो शब्द है वो किसके लिए है? तो वो पुरुषाय के लिए। चिंततम भवता ना बा, क्या आएगा यहाँ पर? ये भी किसके लिए है? भवता जो शब्द है वो पुरुषाय के लिए है। गुरु ग्रहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, ये किसके लिए है? जो ये शब्द दिया है तपो दत्ताय। भवदीभिः उन्मीलितं ते मे नय, भवदीभिः उन्मीलितं मे नयन युगलम। तो ये किसके लिए है? तपो दत्ताय के लिए। अब देखिए सी का प्रश्न का है खा, अधोलिखितानि कथनानि कः कं प्रति कथयति। इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द नीचे दिए गए हैं कौन किसके लिए कह रहा है, जो कोई भी मतलब किसके लिए यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला दिया है हाँ विधेय किमिदम मया कृतम। अब देखिए यहाँ दिया कह, यहाँ दिया है कम, कौन किसके लिए? तो जो तपोदत्त है वो विधिम, ठीक है ना, के लिए। फिर यहाँ पे दिया है मो भो महाशय किदिम विधीयते। तो जो तपोदत्त, जिसका मैंने आपको पहले पाठ पढ़ाया, तपोदत्ता जो किससे कह रहा? पुरुष से। भोस्त पवस्तनी तप कथम माम अवरोधम करोषी। तो जो पुरुष है वो किससे कह रहा है? तपोदत्तम से। सिकता जल प्रवाहे स्था यंति किम, क्योंकि जब वो पूछता है ना कि तुम जो बालू का महल बना रहे हो तो क्या वो जल के प्रवाह में टिका रहेगा, बह नहीं जाएगा? तो ये कौन बोल रहा? तपोदत्ता है, बोलता है पुरुष से। नाहम जाने को अस्ति भवान। तो यहां पर जो तपोदत्ता है वो पुरुषम से पूछ रहा है। चलिए आप यहां देखिए दिया है स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल माने होता है मोटे अक्षरों के आधार पर क्या करना, प्रश्न निर्माण, मैंने प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे ये दिया है तपोदत्ता तपश्चर्या विद्या वाप्तुम प्रवतो प्रवोस्ती। तो यहाँ पर दिया है तपोदत्त ने जो है तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार था। अब हमें इसका प्रश्न का निर्माण करना, क्या बनाना है? प्रश्न निर्माण किस शब्द का? तपश्चर्या का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तपोदत्त कथम या कया विद्या विद्याम वाप्तुम प्रवतो अस्ति, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तपोदत्त कैसे या किसके, ये प्रश्न का आ गया ना।
कथा में अकया ने कैसे या किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार था। फिर है तपोदत्ता कुटुंबी मित्री गर्हति गर्हतः अभवत। जो तपोदत्त है वो कुटुंबी मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा? तपोदत्त। अब प्रश्न का निर्माण क्या आएगा? कह माने कौन के द्वारा। कह कुटुंबी मित्री गर्हतः अभवत यानी कौन कुटुंबी मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। अब इसके बाद है पुरुषाह नद्याम सिकता भी सेतुम निर्मातुम प्रयतते। जो पुरुष इसमें दिया है, पुरुष नदी पर बालू से पुल का निर्माण का प्रयास करता है। अब प्रश्न निर्माण में क्या आएगा? हमको प्रश्न बनाना है, ये जो दिया है इसका प्रश्न बनाना है नद्याम का, तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुषः कुत्र सिकता भी सेतुम निर्मातुम क्या आएगा? प्रयतते यानी पुरुष कहाँ बालू से पुल का निर्माण करने का प्रयास करता है। फिर दिया है तपोदत्ता अक्षय ग्रहणम विनय वैदुष्याम बाप तुम अभिलषति यानी जो तपोदत्त है अक्षर ज्ञानम है ना के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता। अब हमें इसका प्रश्न निर्माण बनाना है, क्या आएगा? कम तपोदत्ता कम विनय वैदुष्याम बाप तुम अभिलषति यानी किसके द्वारा, ठीक है। फिर है तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तो जो विद्या अध्ययन दिया है ये मोटिव्स पे बनाना है हमको, प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में क्या आएगा? तपोदत्त किमर्थम कुरु गुरुकुलम अगच्छत, ठीक। अब आएगा तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया? गुरुग्रहम गत्वैव विद्याभ्यास करणीय। अब हमको गुरुग्रहम का ये प्रश्न निर्माण बनाना है, गुरुकुल जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा? कुत्र यानी कहाँ, पुत्र माने कहाँ, कहाँ जाकर विद्याभ्यास, क्योंकि हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। तो कुत्र गत्वैव विद्याभ्यास करणीय, तो कहाँ जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये उदाहरण दिए हैं अधोलिखित, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे विग्रह पदों के समस्त पद लिखना है, ठीक है। जैसे ये विग्रह पदानि और समस्त पदानि, जैसे संकल्पस्य सातत्येन, तो क्या जाएगा यहाँ पे? संकल्प सातत्येन, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है अक्षराणाम ज्ञानम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तर? देखिए अक्षर ज्ञानम, क्या आएगा? अक्षर ज्ञानम। सिकताया सेतु, तो क्या आएगा? सिकता सेतु। पितु पितु चरणई, तो पितृ चरणई। गुरु ग्रहम, तो क्या आएगा? गुरु ग्रहम। विद्याया अभ्यास, विद्याभ्यास। अब इसके बाद दिया है यहाँ पर उदाहरण मनुस्मृत अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह विग्रहम कुरुत। उदाहरण के अनुसार जो नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करना है, तो ये समस्त पद है और ये विग्रह। जैसे दिया नयन युगलम, तो क्या जाएगा? नयनो युगलम। जल प्रवाहे, तो यहाँ देखिए इसके उत्तर दिए हैं जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या तपस तपसह चर्या तपस्य, यहाँ पर आएगा तपश्चर्या, तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका उत्तर? तपसह चरया। जलोच्छलन ध्वनि, उछल उछल कर जो जल है ना, यहाँ पर क्या आएगा? जलस्य उच्छलस्य ध्वनि, क्या आएगा? जलस्य उच्छलस्य ध्वनि। फिर दिया है सेतु निर्माण प्रयास, तो यहाँ पर क्या जाएगा? सेतो सेतो निर्माणाय प्रयास, सेतो निर्माणाय प्रयास। चलिए आप देखिए यहाँ दिया उदाहरण अनुसृत कोष्टक पदम आदाय नूतन वाक्य धुएं रिचत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक से शब्द लेकर दो नए वाक्य रचिए, जैसे अलम, तो क्या यहाँ आएगा? चिंतया अलम योगे ये तृतीया, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है अलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा? अलम चिंतया अलम योगे तृतीया। अलम भयेन भय, अलम कोलाहल कोलाहल,
जैसे माम अनु स गच्छति, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गृहम अनु उद्यानम अस्ति गृह, पर्वतम अनु नदी अस्ति, यानी क्या जाएगा पर्वतः, अनु योगे यहाँ पर क्या आएगा तृतीया, ठीक है ना। ये अलम के आपको तीन, तो अलम मैंने भय भय, अलम कोला है ना कोलाहल, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम भिलाषि, यानी बिना योग्य तृतीया, इसमें क्या आएगा परिश्रमम विनय सिद्धि प्राप्तुम इच्छसि परिश्रम, अभ्यासम विनय प्रथमम स्थानम प्राप्तु भिलाषि प्राप्तुम भिलाषि, तो क्या आगे अभ्यास है। जैसे संध्या नाम यावत ग्रह उपैति, तो यावत योगी यहाँ पर तृतीय, यावत योगी यहाँ पर आएगी द्वितीय, और अक्षर नाम विनय द्वैदुष्यम प्राप्तुम भिलाषि, इसमें भी बिना योगे द्वितीय आएगी, क्या आएगी द्वितीय, तृतीय नहीं आएगी द्वितीय। और परिश्रम विनय सिद्धि प्राप्तुम इच्छसि परिश्रम, और अभ्यासम विनय प्रथमम स्थानम प्राप्तुम भिलाषि, यहाँ भी अभ्यास आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या आएगी यावत योगे द्वितीय, तो मासम यावत भ्रमणम करोति मास, वर्षम यावत अध्ययनम करोति वर्ष। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर जो मैंने पाठ पढ़ाया था सिकता सेतु वाला, तो आप इनको लिखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में याद करेंगे। धन्यवाद।